व्हाट्स अप गाइस, आज लोहड़ी है। हैप्पी लोहड़ी सबको। देखते हैं मेरी मम्मी आज क्या बना रही है, चलो उनसे पूछते हैं। मम्मी आप क्या बना रही हो? हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। ये देखिए चने की दाल है, इससे हम पकौड़ी बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। और ये मूंग की दाल है जिससे हम दही बड़े बनाएंगे। तो अभी हम दाल को पीसने जा रहे हैं, हमने सुबह से भिगो के रखी थी, 3 बज गए हैं। तो अब हम इसको क्रश करने चल रहे हैं, मिक्सी में पीसने चल रहे हैं। ये देखिए हमारी दाल पीस गई है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हम अलग निकालेंगे। ये चने की दाल है, ये चने की दाल है। देखिए गाइस हमारी दाल पीस गई है, हमने निकाल लिया। और अब हम चल रहे किचन की तरफ। तो हम ये दही बड़े कैसे बनते हैं, ये देखिए गाइस। आज हम आपको नए तरीके से दही बड़े बनाएंगे, जिसका नाम दही बड़े है। लेकिन आज हम लस्सी से दही बड़े बनाएंगे। ये हमारी 2 लीटर लस्सी है, लस्सी ली है। ये देखिए लस्सी ली है, इसमें हम नमक मिला रहे हैं। 1 चम्मच नमक डाला है। और लाल मिर्च लेंगे, लाल मिर्ची, ये लाल मिर्ची डाल दी हमने। और थोड़ा सा हींग लेंगे, ये देखिए 2 चुटकी हींग ली है। इसको मिक्स करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा जीरा भूंज के डालेंगे हम इसमें। आप इस तरह दही बड़े बना के देखना एक बार नए तरीके से, आपको बहुत ही स्वाद लगेंगे। और मैं इनके साथ लाल चटनी मीठी वाली और हरी चटनी मिर्ची वाली वो भी बनाती हूँ। तो ये बिल्कुल बाजार की तरह लगते हैं। ये हमारा हो गया, इसको हमने ढक दिया है। और ये दही बड़े का बैटर है, इसमें हम सिर्फ नमक डालेंगे हल्का सा। ये हल्का सा नमक डाला है हमने और थोड़ी सी हींग मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए 2 चुटकी हींग ली है, इसको मिक्स करेंगे। और ये देखो इसमें हमने नमक डाला, हींग डाला। अब इसको हम मिक्स करेंगे और फिर इधर दही बड़े बनाएंगे। जब तक हम मिक्स करेंगे, साथ के साथ हम तेल रख देते हैं कढ़ाई में। हम तेल डालते हैं इसमें, ये हमने इसमें तेल डाल दिया है दही बड़ों के लिए। आप देख सकते हैं ये जब तक गर्म होगा तब तक हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह मिक्स कर लेंगे हाथों से। उधर हमारा तेल गर्म हो रहा है, इधर हम इसको मिक्स करके और इसके बड़े बनाएंगे। ये इस तरह से बहुत अच्छी तरह हम इसको फेंट लेंगे। ये जितना अच्छा फूलेगा, मिक्स होगा, उतने ही अच्छे हमारे दही बड़े बनेंगे। इस तरीके से चम्मच उम्मच से मिक्स करने में वो स्वाद नहीं आता जो हाथों का स्वाद आता है, क्योंकि इसको हाथों की गर्माहट मिलती है। इस तरह से अब हम इसके दही बड़े बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हम हल्के हाथ से हल्का सा हम पानी लगाएंगे, जिससे हमारे दही बड़े हमारे हाथों में ना चिपके। और इस तरह से हम दही बड़े बना के डालेंगे। आप अपनी शेप से जो भी आपको पसंद हो उस तरह बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से सारे दही बड़े बनेंगे, छोटे छोटे पतले पतले बनाने हैं। ये देखिए ये देखिए गाइस, इस तरह हमारे सारे दही बड़े बनेंगे। पहले हमने कम आंच पे इनको डाला है, फिर हल्के हल्के धीरे धीरे आंच पे पकाया है और अब तेज किया है। एकदम से हम तेज कर देंगे तो अंदर से ये कच्चे रहेंगे और फूलेंगे नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह फूल रहे, ये देखिए कैसे फूले हैं ना ये, आप देखिए। ये देखिए इस तरह ये फूले बन रहे हैं एकदम से। ये देखिए फूल के एकदम गोप्पा बन जा रहे हैं, गोलगप्पे की तरह।
अब हम इसको हल्के से थोड़े से हल्के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए आप, ये देखिए गाइस, ये सारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे। और हमारी दही बड़े की ट्रिक में एक ट्रिक और है, क्योंकि हमने दही नहीं लिए, लस्सी लिए, तो अब इनको डायरेक्ट इसमें डाल देंगे जो हमने ये लस्सी का बैटर तैयार किया है। ये देखिए, ये डायरेक्ट इसमें डालने से ही एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे और निचोड़ना भी नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि दही में पानी नहीं होता है और लस्सी में पानी होता है, तो ये हम ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं। ये देखिए, हमने लस्सी में नमक, मिर्ची और हींग डाली है और भुना हुआ जीरा पीस के डाला है, और ये हमारे दही बड़े समझो तैयार हो गए हैं। और हमने इसमें बड़े भी डाल दिए। ये हमारे डिफरेंट तरीके के दही बड़े हैं। आपने हमेशा सेम तरीके से दही बड़े खाए होंगे, एक बार इस तरह भी दही बड़े खा के देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये लस्सी का स्टाइल है, लस्सी स्टाइल दही बड़े कैसे बनते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर बनाइए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।